नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड बेस्ट। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इन कॉमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वी विल बी फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एज पर कॉमर्स आईएससी। मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, human activities means all those activities which are being undertaken by whom? Humans, not by animals. Any activity that is undertaken by humans is called as human activities to satisfy human wants. This activities continue throughout their life. ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रूआउट देयर लाइफ। लाइक बच्चा पैदा हुआ, मरेगा तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज जारी रहेगी। अनलिमिटेड, अनएंडिंग एंड रिकरिंग, कंटिन्यूअस, रिकरिंग। की टर्म क्या है? अनएंडिंग, अनलिमिटेड, रिकरिंग। डेफिनेशन आ सकता है 2 मार्क का, सो राइट दिस कीवर्ड, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिंदास उसको अंडरलाइन भी कर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, human activities are those activities which are undertaken only by humans throughout the life, very wide range. char 3 yaad rakho, koi tension nahi hai, 3 mark ke liye aayega to fatafat likh dena. Do type ka classification hai human activities ka, kaun se do? First eco, highlighter chal ke mera that economic, non economic. कौन सा? इकोनॉमिक, पैसा आएगा, मनी कमाएगा। नॉन इकोनॉमिक, सेटिस्फैक्शन पाएगा। क्या पाएगा? सेटिस्फैक्शन। सो व्हेन यू वांट सेटिस्फैक्शन, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर एज सेम एक्टिविटी डन बाय यू फॉर अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग, earning what? Money, acquiring wealth, accumulating wealth. Example, doctors, lawyers. Characteristics of economic activity, economic motive. What is the economic motive? To earn money, gain economic gain. Productive, economic activities are what? Productive. Economic activities involve production, distribution, exchange of goods and services to what? Satisfy human wants. This activity is directly related to creation of wealth. Paisa, bahut paisa create karega. Economic resources. Economic activities make use of economic resources. इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लैंड लेबर कैपिटल। रैशनल यूज, वी हैव लिमिटेड सोर्सेस, डेफिनेट है ना, आपको पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है, यू गेट लिमिटेड पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, सो व्हाट यू डू, यू स्पेंड वाइजली, यू स्पेंड रैशनली, यू प्रॉपरली अलोकेट मनी टू कैफेज, योर गर्लफ्रेंड एंड एक्सेट्रा, करेक्ट, पार्टीज, एवरीथिंग, यू प्रॉपरली अलोकेट द अमाउंट। Economic growth, economic activity determine the level of what? Economic development of country and standard of living of its citizens. Legally valid, economic activities are legal, lawful activities. It does not include unlawful activities like satta, gambling, black marketing, chori, dakati. No, such activities are illegal, unlawful, unhuman activities. They are not into economic activities. Socially desirable, economic activities are desirable by society. They must be in accordance with expectation and norms of society. Non-economic activities, activities which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements are called non-economic activities. The object of this activity is not to earn money, पैसा नहीं कमाना है, बट टू एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर लव, सिंपथी, रिलीजन, पैट्रियोटिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, सिंपल है, आप, एवरीवन्स मदर लुक आफ्टर देयर
ओन चाइल्ड, पड़ोसी के बच्चों को देखती है क्या? नहीं, स्टूडेंट डोनेट्स ब्लड, कोई भी जाएगा 18 प्लस वाला ब्लड डोनेट करेगा बाहर कैंप में, तो ही दैट द डोनेशन वाला डोंट पे हिम मनी, बट ही गेट्स सेटिस्फेक्शन, सर्टिफिकेट मिला। यू गो टू टेम्पल डेली? नहीं, नहीं जाते, जान दो। सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं भी जाते हो तो। रिच मैन डोनेट्स मनी टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एकदम रिच मैन, एकदम रिच मैन, रिच मैन डोनेट्स मनी टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ट्रू। इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। सी, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, क्या है वो शॉर्ट फॉर्म? रेमो, आर मतलब रिलेशनशिप, ई मतलब एक्सपेक्टेशन, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, एम मतलब मेजरमेंट, एल मतलब लॉजिक, आर मतलब रिसोर्सेस। सो व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? टू लिविंग एंड अक्वायर वेल्थ, टू अर्न अ लिविंग एंड अक्वायर वेल्थ, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। Whereas non-economic activity, sentimental, mental नहीं, sentimental and emotional objectives. What? Emotional objectives to obtain some sort of personal satisfaction. Personal नहीं, personal, personal satisfaction. Expectation, money income is expected from which activities? Economic activities. Money income is not expected from non-economic activities. Relationship, directly related with income and wealth, not related with income and wealth. Measurement of outcome, result can be measured in terms of money. Simple है ना, economic activity की है कुछ, तो you can measure the result in monetary terms, whereas result cannot be measured in terms of money. Logic, guided by rational consideration of cost and benefit, guided by sentiments and emotions, without regard to gain or sacrifice. Resources, proper allocation of resources and optimum use of resources. खाली allocation करके नहीं चलेगा, optimum use करना है, optimum use करना है. Optimum allocation and use of resources not essential. Out of generosity जब आप पैसा बांटते हो, कुछ पुण्य का काम करते हो, तो it's not necessary कि आप maximum resources का allocation करो, proper allocation करो. एग्जाम्पल बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन नॉन इकोनॉमिक में फैमिली, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड नेशनल। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेफिनेशन क्या है धंधा का? बिजनेस का। बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, exchange of goods with object of earning profit. Business is an economic activity because it is undertaken for earning money and producing wealth. Firms providing direct services, example tailor, dry cleaner, etc. Profession means an occupation which involves application of specialized knowledge skills to earn a living. Simple hai na, skills chahiye professional logo ko, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेट्रा, लॉ, टैक्सेशन, एक्सेट्रा। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशनल एसोसिएशन, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, व्हाट इज दिस? जब भी कोई प्रोफेशनल होता है, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, उनका ऐसा ग्रुप होता है, उसको स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। अभी ऐसे ग्रुप तो नहीं बोल सकते ना, कुछ तड़कता फटकता नाम होना चाहिए प्रोफेशनल लोग। स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसे किसी को भी घुसने देंगे क्या? सीए वाले, आईसीआई वाले, डॉक्टर वाले, भाई घुसना है ना तो एमबीबीएस करके आ, सीए करके आ, एलएलबी करके आ, फिर ही घुस सकता है। तो फॉर्मल एजुकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, COP, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्मुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये 4 पॉइंट्स है आपके। मोटिव, सर्विस मोटिव, एम्फसाइज ऑन सर्विस टू क्लाइंट्स,
देना है एम्प्लॉयमेंट मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अपन इसका चार्ट बनाएंगे गाइस। ओके गिव मी 1 मिनट, वी विल मेक अ चार्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वाह व्हाट इज दिस, इंकड इंकड मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अरे चार्ट तो बना हुआ है गाइस, मजा आ गया। ऑब्जेक्टिव बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न ढेर सारा पैसा, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स। प्रोफेशन टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स। एम्प्लॉयमेंट सैलरी दे दो बाबा, टू अर्न वेजेस और सैलरी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन आर एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सिंपल है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है धंधा। आपके पास बस क्या होना चाहिए, दिमाग पैसा कैपिटल। प्रोफेशन मिनिमम मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन एसेंशियल टू एंटर प्रोफेशन। मिनिमम सीए का डिग्री चाहिए आईसीआई का मेंबर बनने के लिए, मिनिमम एमबीबीएस चाहिए डॉक्टर एसोसिएशन में घुसने के लिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द जॉब, ठीक है ना। वॉचमैन है तो वॉचमैन को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, 10th पास, 10th पास, 9th पास, 11th पास, डन। स्टेटस, अ बिजनेसमैन वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड इज हिज ओन मास्टर। अ प्रोफेशनल वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन प्रेस्क्राइब। कोड ऑफ कंडक्ट याद आया क्या, हाँ एग्जैक्टली दैट इज द गाइडलाइन प्रेस्क्राइब। एन एम्प्लॉय वर्क फॉर एम्प्लॉयर, गरीब मजदूर है किसके लिए काम करेगा, मालिक के लिए काम करेगा। यस फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मास्टर बॉस, रिवॉर्ड प्रॉफिट अनसर्टन एंड वेरिएबल। प्रॉफिट कैसा है बिजनेस में, अनसर्टन है वेरिएबल है। प्रोफेशनल फी सर्टन बट फ्लेक्सिबल। 2 साल हो गए फीस दी नहीं क्लाइंट ने, टेंशन आया बाबा। ओके डन। सैलरी मंथली रेगुलर फिक्स, नो रिस्क इन्वॉल्व एट ऑल, नो टेंशन। इन्वेस्टमेंट हेवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड इन प्रोफेशन एंड नो कैपिटल रिक्वायर्ड इन सैलरी। नो एडवर्टाइजमेंट इन व्हाट बिजनेस, रॉन्ग। नो एडवर्टाइजमेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर सैलरी, एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी इन प्रोफेशन। एडवर्टाइजमेंट इज यूजुअली नेसेसरी इन बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज सोल क्राइटेरिया, सर्विस टू क्लाइंट इज सोल क्राइटेरिया, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म इन द बिजनेस। ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर, ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने सीए का डिग्री लिया समझो, तो मैं वो मेरे दोस्त को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, नहीं नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रांसफरेबल। मेरे जॉब है, मैं वो ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, नो नॉट पॉसिबल। बिजनेस इजीली ट्रांसफरेबल। गाइस दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन क्लासिफिकेशन, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक टर्म्स। Thank you guys. I hope you enjoyed this lecture and keep watching for more lectures. Bye. ये भी रिकॉर्डिंग चालू की थी।